में राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। आर्य समाज में दल दलदल हो गए, घुट घुटमघुट हो गए। मोदी जी के करीबी हैं आचार्य देवव्रत जी। जैसे जादूगर सबकी आंखें बांध देता है ना, इसी प्रकार से इसने बीजेपी के बड़े अधिकारियों की माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखें बांध रखी हैं और ये दर्शा रखा है कि पूरा आर्य समाज इसके पीछे है, परंतु ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं खिलाफ है और इसकी जड़ पोल खोलने के लिए आज तैयार हो गया है। इसके खिलाफ ये कई धोखाधड़ी के मामले हैं। पिछले साल भी जींद से पेका गांव के व्यक्ति ने 1,37,00,000 का मामला दर्ज करवाया था और अब की बार फिर 10 जून को एक मामला और दर्ज हुआ 6,45,00,000 का। इसके खिलाफ आर्य समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये प्रॉपर्टी डीलर है। आर्य समाज की अरबों रुपए की संपत्ति का इसने खुर्द-बुर्द किया है। एज ए प्रिंसिपल 100-100 करोड़ के 4 गुरुकुल कैसे बना सकता है? कम से कम 2,000 करोड़ की जमीन है जिसके ऊपर सीधा वो बोलते हैं कि हमारी जमीन है, जबकि 2000 से हम लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, गर्दोरी हमारी हो चुकी है, पैसे ले चुके हैं ये लोग। तो ये सीधा नाम लेते हैं कि भैया हम लोग तो राज्यपाल के बंदे, ज्यादा कहोगे तुम लोगों को अंदर करा देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। हम चाहे गर्दन कट जाए, जो सत्य बात है उसको सत्य कहेंगे और गलत है तो गलत कहेंगे। ये तो बाढ़ खेत न खागी गए, पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे ज्ञापन देने आए हैं और यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच रहा। मोदी जी ने गवर्नर बनाया है, मैं तो कहूँगा मोदी जी संभलो, ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। इतिहास को उठा के देख लो, जब जब आर्य समाज को तोड़ने का काम किया ना इस देश में, जब जब ये देश गुलामी की तरफ गया है। फिलहाल देखो उपायुक्त महोदय का इंतजार हो रहा है, उपायुक्त महोदय आएंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं, फिलहाल देखो आ जाओ जी, आगे क्या आगे पदाधिकारी जी जी, कोई बात आप तो फिलहाल जो उपायुक्त महोदय खुद आएंगे या उनके प्रतिनिधि आएंगे? फिलहाल जो उपायुक्त महोदय हैं यहाँ, वो अभी ज्ञापन लेने आएंगे। आर्य समाज के जितने पदाधिकारी हैं इस टाइम मौजूद हैं, या किसी लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना, क्योंकि खुद से जंग चल रही है अभी, और खुद की लड़ाई आर्य समाज जब लड़ेगा तब जाके समाज की लड़ाई लड़ पाओगा, लेकिन नहीं तो वो काम है। राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। तो फिलहाल स्थिति यह बनी हुई है और आर्य समाज में दल दलदल हो गए, घुट घुटमघुट हो गए। फिलहाल संपत्ति को लेकर के, जिसको लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा, भाई जिस तरह की आप आर्य समाज के यदि सिद्धांत और नियमों को पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आर्य समाज की जो ये प्रदर्शन है और जो ये बात लेकर के, इसका मतलब आर्य समाज के सिद्धांतों को मान्य नहीं, इन लोगों ने उलट चल रहे हैं। यही बात हुई जी, आर्य समाज के जो सिद्धांत है, जो नियम है, उनसे तो उल्टी चल रहे हैं। फिर ये तो बाढ़ खेत न खागी गए, जब बाढ़ खेत न खान लाए थे तो खेत बचा नहीं करता। तो फिलहाल यह स्थिति है और इसमें आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं या अलग अलग संगठन के जो लोग हैं, गोरक्षा दल भी है, आरोप इनके ऊपर भी लगे हैं। आचार्य आजाद जी अभी खुद कह रहे थे भी मेरे ऊपर FIR दर्ज कराई है महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने। तो फिलहाल यह बात एक जांच का विषय है, प्रशासन से हमारी भी अपील है निष्पक्ष जांच करी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि आर्य समाज न्याय देने का काम कर रहा था, लेकिन आज खुद आर्य समाज न्याय की उम्मीद लेकर के, न्याय की उम्मीद लेकर के उपायुक्त महोदय है जो कहां कहां ज्ञापन दिए आप लोगों ने सर जी? पहले रोहतक में दे लिए, पानीपत में दे लिए, देते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी तक पहुंच लिया संदेश? हाँ पहुंच लिया। हरियाणा के नव नियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक आज दे रहे हैं। कोई आश्वासन? अच्छा आज ज्ञापन उनके नाम। वैसे टेलीफोन के लिए आप लोगों की कहीं बात हुई है? नहीं, पहले कहीं बात मुख्यमंत्री से नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री से कई बार हुई है खट्टर जी से, परंतु आश्वासन ही हुआ ये व्यक्ति बड़ी उच्च पद पर है, सत्ता की शक्ति इसको हासिल है, तो उसका गलत दुरुपयोग करके हमारे मामले को खुर्द-बुर्द सरकार पीछे अट जाती है। स्वामी परमानंद जी, इसमें ये भी चीज लिखी है, अभी ये मोदी जी के करीबी हैं आचार्य देवव्रत जी, और उसके चलते उन ताकतों का दुरुपयोग किया गया है, ये लिखना भर है या फिर कोई प्रमाण साक्ष्य भी है? देखिए ये व्यक्ति बड़ा चतुर है और वाक कला में बड़ा निपुण है, तो अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से इसने ऐसा आईना ये दिखाता है किसी व्यक्ति को, जैसे जादूगर सबकी आंखें बांध देता है ना, इसी प्रकार से इसने बीजेपी के बड़े अधिकारियों की माननीय प्रधानमंत्री जी आंखें बांध रखी हैं और ये दर्शा रखा कि पूरा आर्य समाज इसके पीछे है, परंतु ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं हरियाणा का आर्य समाज इसके खिलाफ है और इसकी जड़ पोल खोलने के लिए आज तैयार हो गया है। और एक कारण और है कि इसने
जो वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का जो प्रधान नियुक्त कर रखा है सेठ राधा कृष्ण, उसके साथ ये प्रॉपर्टी डीलर में साझेदार है सेठ राधा कृष्ण। हाँ, तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसके खिलाफ ये कई धोखाधड़ी के मामले, पिछले साल भी जींद से पेगा गांव के एक व्यक्ति ने 1,37,00,000 का मामला दर्ज करवाया था, और अब की बार 10 जून को कैथल तितरम थाने में एक मामला और दर्ज हुआ 6,45,00,000 का इसके खिलाफ, जो जींद का मामला है। योगेंद्र जी भी कह रहे थे, अभी मैं चैलेंज देता हूँ राधा कृष्ण को, 10 नियम याद मिल जाए तो आर्य समाज की। बिल्कुल, इनका आर्य समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। आर्य समाज की जो करोड़ों की संपत्ति है हर एक राज्य में, जो पूरे हरियाणा में, केवल गुरुकुल कुरुक्षेत्र को हम नहीं नाप सकते, आर्य प्रतिनिधि सभा के ऊपर इन्होंने काबिज कर लिया, जिससे संबंधित संपत्ति, कांगड़ी विश्वविद्यालय भी इसी के अंतर्गत आ रहा है, यमुनानगर में सादीपुर गुरुकुल जिसकी सैकड़ों एकड़ जमीन है वो भी इसके अंतर्गत आ रही है, पानीपत के आर्य स्कूल है जो वो भी इनके अंतर्गत आ रहे हैं, और हरियाणा में जहां जहां आर्य स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वे सब संपत्ति इसी के अधीन है। तो आर्य समाज जात रोग और राज रोग के चुंगल में फंस के रह जाएगा या कुछ आगे बढ़ेगा? अब तो वही समस्या हो रही है, खुद अब जात रोग नहीं है आर्य समाज में। देखिए, यहाँ पर सारी जातियों के सब बिरादरियों को 36 जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी अंदर खाते जाति पाति है जो मानते हैं वे लोग ये होंगे। हम आप यहाँ सारे भाई, सारी बिरादरियों के 36 बिरादरी के लोग हैं, और केवल एक ही जाति को मानते हैं, मनुष्य जाति को, और सब आर्य हैं और इस धर्म का पालन करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, सरकार निष्पक्ष रूप से हमारी भी जांच करवाए और इस व्यक्ति की भी जांच करवाए, इसके पास कितनी बेनामी संपत्ति लगेगी और अरबों रुपए की संपत्ति का इसने खुर्द-बुर्द किया है। स्वामी जी, आप स्वामी रामदेव के भी करीबी रहे हैं, काफी आपकी फोटो है उनके साथ, क्या उन तक भी आप लोगों ने ये बात पहुँचाई है? पहुँचाई है, लेकिन वो तो पीछा पल्ला झाड़ लेते हैं। वो तो नहीं, पल्ला तो नहीं झाड़ते, हम अपनी बात रख के मैं कहां फंसूं इनके चुंगल में, तो रोज का काम हो गया। क्या करते हैं उनकी हमें जानकारी नहीं है, परंतु हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं। क्या बोले फिर? तो उन कई बार उनको कहा है, उन्होंने आदरणीय आचार्य जी से बात, तारा चक्कर में मेरा अपना साम्राज्य रोयल जगह है, तारा चक्कर में मेरी क्यों वो करो, वो तो अपने बीच में ठीक लग रही है, पेंडा छुटा गया। देखो, ये बहुत विडंबना है आर्य समाज की, और फिलहाल मैं बार बार कहूँ भाई, आरोप प्रत्यारोप और उसके साथ जो, हाँ जी, क्या दिखा रहे वीरेंद्र जी? मैं ये पत्रकार महोदय, ये तस्वीर दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से देखो, ये किन किन की? तीनों की होगी ना, ये मैन आर्य प्रतिनिधि सभा मुख्यालय की है ये तस्वीर, दयानंद मठ की। हाँ, दयानंद मठ की, ये देख लो, जबकि इस्तीफा होने के बावजूद भी इनकी तस्वीर यहाँ, किसकी तस्वीर लगनी चाहिए? महर्षि दयानंद की तस्वीर लगनी चाहिए, स्वामी सरदानंद की तस्वीर लगनी चाहिए, जिन क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की तस्वीर लगनी चाहिए, ऐसे तस्वीर यहाँ? ये क्या, ये कोई राज्यपाल का कोई कार्यालय है जहाँ पर ये बदमाश आकर के वहां पर तस्वीर लगा रहे? मैं खुद गया हूँ वहां पर, और मैं बताऊँ, पिछली बार प्रयोग किया, अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया बदमाश, आपको पता है इसको लेकर के आपके ऊपर एक्शन हो सकता है? एक्शन देखो, महर्षि दयानंद के हम अनुयायी है, ऋषि दयानंद ने यह कहा है, गलत को गलत कहो, सत्य को सत्य कहो, हाँ, गलत को गलत कहो, सत्य को सत्य कहो, लेकिन हम चाहे गर्दन कट जाए, जो सत्य बात है उसको सत्य कहेंगे और गलत है तो गलत कहेंगे, क्योंकि अब पिछली बार मैं मंत्री का इलेक्शन लड़ा तो 1400 वोटें उनकी थी, 1500 एक तरफा दी, 1500 की 1500 खत्म करके, जबकि मेरी भी वोट खत्म कर दी आचार्य, मोनोपोली होगी, हाँ मोनोपोली, सिर्फ टेलीफोन कर दिया डीसी साहब को और वो सारी काट करके आप देख लो, शोम्बू प्रधान, शोम्बू जब इस्तीफा दिया आप देख लेना, अब जबरदस्ती बुला रहे हैं, आ जाओ हमारी जांच होगी और आप लिख के दे जाओ, आपको मना दिया, शाम को मेरे पास फोन आता है, अब भाई आपकी वो वोट मन गई है, अरे जब तो मैं काट दिया, अरे मन गई मेरी, ये तो ये ऑन रिकॉर्ड की भाई काका लिखनी है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अभी डीसी साहब लेट हो रहे हैं, डीसी साहब आ नहीं रहे, आगे, हाँ जी, अभी तो डीसी साहब की बात कर रहे थे आप लोग, मैं वही कह रहा था, मैं डीसी साहब आ रहे हैं, गौ माता की। फिलहाल डीसी साहब को तो डीसी साहब है नहीं क्या? अल्टरनेट, हाँ जी, हाँ जी, डीसी साहब बैठे हैं अभी, वैसे पहले तो कह रहे थे भाई हैं यहाँ, आएंगे आएंगे, ये अभी फोन वोन आ गया ना, कोई फोन आ गया, पावर तो एक नहीं, ये भी तो उम्मीद लेके आए ना, देखो सारे पदाधिकारी हैं इस मार्ग के, हम तो ना, ठीक है भाई, फिर भी जो मुख्य अधिकारी को बुलाओ ना, इतनी देर तक खड़े हैं,
बोलो हम तो जो अंदर नहीं फिर भी इंतजार में खुद जाए या तो हम खुद डीसी के पास जाए या भाई यहाँ पर ला लो या हम निशान जाएंगे वहाँ पर। हाँ ये तो, और ये कोई वो थोड़ा कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, पुलिस की इतनी कड़ा जरूरत थी रे राजी है, व्यक्ति है ऐसे नहीं करते गए हुए, लेकिन डीसी ने भी आना चाहिए। जब इतने लोग तड़पती गर्मी में आ रहे हैं तो डीसी साहब ने भी क्यों, हमारे ही तो कर्मचारी हैं, हमारे नौकर हैं। अब ये तो इसी इंतजार में खड़े थे भी डीसी साहब आएंगे आएंगे आएंगे, ये प्रजा है उनकी। अरे इनको तो मार करके एसीओ में बैठे हैं, ये एसीओ में बैठे हैं अभी। एक मिनट शांत आराम से बैठ दो। हरप्रीत जी आप जैसे करो गर्मी में तड़प रहे हैं, डीसी साहब एसी में मजे ले रहे हैं। अभी ये करें मैसेज भेज दिया, वही तो प्रशासन शुरू है उसी तो। एक घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, ये गदर मचा रखे है। ये देखो ये डीसी साहब और ये प्रशासन भी मोनोपोली कर रहा है। ये रुझान शांति प्रिय तरीके से ये प्रदर्शन कर करके और डीसी के माध्यम से सीएम को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे, देख लेना। ये रुझान शुरू हो गए, डीसी नहीं आएगा हम नहीं देंगे ना, जब तक डीसी नहीं आएगा हम नहीं देंगे। वैसे बैठता तो ज्ञापन तब तक नहीं देंगे जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे, ये कह दिया। अच्छा अच्छा यदि एक चीज पे तो फिर सवाल उठेगा, यदि डीसी आप लोग जो प्रदर्शन लेकर चले थे वहां से 3 किलोमीटर पीछे से उसी टाइम सूचना होगी, वैसे तो सीआईडी तंत्र करो। और हरप्रीत जी कह रहे हैं भाई मैंने सूचना हमने भेज रखी है जी, तो ऐसी तो बात नहीं है सूचना ना हो और अभी वो गई हो। सूचना तो है वो, सूचना कितने बीच में उलझगी जी, सूचना उलझगी बीच में कितने, सूचना की जीएसटी उलझगी कितने। अच्छा जी सूचना की जीएसटी उलझगी कितने बीच में, आपको अधिकार है जाओ। नहीं देखो अपना एक बार तो पहले ये फर्ज हमारा अर्थ का नहीं वो ठीक है, लेकिन आचार्य जी आप लोग वो करना, हम तो पत्रकार साथ हैं, जून साहब ने पर्चा उसने पकड़ लेंगे। लेकिन हम इंतजार यही सोच रहे थे, मैं ये मामला तो लाइव का होकर के भी बीच में करना पड़ा। नहीं उनकी गैर हाजिरी में किसको बोल रहे थे, नहीं पावर तो बराबर की है, लेकिन एक चीज देखो ना मुद्दा मुद्दा तो पीएम लेवल का है यू। हाँ डीसी साहब की गाड़ी यहीं खड़ी है भाई, डीसी साहब तो है यहीं, अभी जो गाड़ी यहीं खड़ी है डीसी साहब की। फिलहाल भाई रोक ले भी इतना, डीसी साहब आओ इतना रोक ले, कोर्ट पर ले ले। चलिए फिलहाल आचार्य योगेंद्र जी को रोक दिया है, पुलिस ने रोक दिया है, बोले जी आप यहीं रोको। तो अभी आप अंदर जा रहे थे? हाँ हम अंदर जा रहे थे, ये व्यवस्था इन भाइयों ने कर रखी है और ये व्यवस्था इनकी व्यवस्था तो ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था तो ठीक है, परंतु प्रशासन के ऊपर देखो अनर्गल यदि दबाव चलता है। आपने ये पीछे चुनाव गया इसमें देखा होगा कि सारे कर्मचारियों ने इस चीज का आईना दिखाया है कि भाई सरकार जैसे कह रहे थे ना भाई इनको सिद्ध कर देंगे प्रशासन कर्मचारियों को, ना ना ये बेचारे काम करते हैं आपका। तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा जो आचार्य देवव्रत सरकार को गुमराह कर रहा है और डॉक्टर राजेंद्र गुमराह कर रहा है, वे इस हरियाणा के आर्य समाज की आवाज को सुने और डॉक्टर जो राधा कृष्ण जो प्रॉपर्टी डीलर है, भारत में इकलौती हरियाणा जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा है उसी को एक्टिव माना जा रहा है और उसे में किमिन किमिन आर्य समाज का फाका बच रहा है और उसे पे यू काम हो गया, ये आर्य समाज का होगा क्या? नहीं उसमें तो फाका पूरा है, ये हजारों करोड़ की संपत्ति का घोटाला है, तो फिर अब इस तरह के घोटाले निकट का होंगे तो फिर और जगह तो आर्य समाज एक्टिव था ही नहीं, हरियाणा में एक्टिव था उसे का यू हाल हो गया, फिर अब आर्य समाज का होगा क्या? ये इन लोगों का षड्यंत्र है, आर्य समाज ही नहीं है, इनका षड्यंत्र था और इन्होंने आर्य समाज को लूटना था। लूट आपके सामने है, इसकी बेनामी संपत्ति की जांच हो जाए। आचार्य देवव्रत एक एज ए प्रिंसिपल गुरुकुल कुरुक्षेत्र में था, एज ए प्रिंसिपल 100 करोड़ के 4 गुरुकुल कैसे बना सकता है, वो संपत्ति कहाँ से आई उसकी जाँच हो, और छत्तीसगढ़ में जो जमीन ली है, हरियाणा में जो जमीन ली है, और एक और घोटाला कर रहा है, ट्रस्ट बना रखा है और यूं कहता है 1 रुपए में रजिस्ट्री करवाता, बोले 50 एकड़ इस भाई ने मेरे को जमीन दान दी है, कोई आज जमीन दान कर रहा है क्या?
और सरकार के टैक्स की चोरी कर रहा है, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। जो टैक्स सरकार में भरना था कई सौ करोड़ रुपए हैं, शुरू से ही नहीं भर रहा। अच्छा। हाँ, तो इसकी भी यदि सरकार पेनल्टी लगाएगी इसका सारा खाका बाहर निकल के आ जाएगा। सरकार ऐसे मगरमच्छों से दूर हटे। डॉक्टर राजिंदर डीएन कोहली जैसे 5,500 लड़कियां पढ़ती है उस पर कब्जा कर लिया, जमीन आर्य प्रतिनिधि सभा की है, फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके उसको कब्जा करना चाह रहा है, अलग से कमेटी बना ली, कोई हिसाब किताब नहीं देता। चलो, ये बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं भाई फिलहाल राधा कृष्ण पर, आचार्य देवव्रत पर और साथ में राजेंद्र विद्यालंकर जिसकी पूरी संपत्ति है, ज्ञानन मठ आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक में। ठीक है भाई, ये प्रदर्शन हम 13 को करेंगे रोहतक। ठीक, तो फिलहाल काफी लंबा इंतजार हो लिया। डीसी साहब की तरफ से इस तरह का आया कि भाई यहाँ सीटीएम साहब हैं जो वो मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आचार्य जी की यह डिमांड है भाई डीसी साहब यहाँ आए, और जिस तरह विजेंद्र जी कह रहे थे। इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो इन्होंने हम लोगों के माध्यम से खरीदी, और जब हम इनसे अपनी कमीशन मांगने के लिए जाते हैं हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। ये देखो, एक अभी ताजा ताजा मामला है, जान से मारने गर्मा गर्म मामला एक और आ गया है, जान से मारने की धमकियां देते हैं। मैं पहले अपना परिचय देता हूं। मैं संदीप कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी संस्था। हमारी संस्था जो है सनातन धर्म के लिए कार्य करती है, और हम आचार्य जी की बात से पूर्णतः सहमत है। हमारी जो ये सामाजिक संस्थाएं हैं इनके ऊपर इन अप्रत्यक्ष लोगों ने सीधे तरीके से इन संस्थाओं पे जो है कब्जा किया हुआ है, और ये शासन प्रशासन के माध्यम से आम जनमानस को जो है धमकाने का काम करते हैं। आपको किस लिए धमकाया? हमारी टीम ने इनको एक प्रॉपर्टी है वो इनको काइट के नाम से गुरुकुल जो इन्होंने अभी लिया है वो हमारी टीम ने इनको दिलवाया। अच्छा। और जब इन्होंने ले लिया सारा कुछ कर लिया, जब हमारी तो देखो जी एक छोटा सा, हम तो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं साथ में, मेरा एक व्यवसाय भी है, और जब हम इनसे कमीशन मांगने के लिए गए, ये मेरे भाई हैं प्रवीण सिंगला जी, इनको जो है जान से मारने की धमकी थी। हम साथ गए, हमने कहा भाई ये गरीब आदमी है, कितना कमीशन बढ़ता है? 24 लाख रुपए। ये देखो, आप एक जगह दिलवाई थी जो गुरुकुल वालों को, गुरुकुल के लिए नहीं, गुरुकुल के लिए नहीं थी, काइट जो जगदीश ने लिया है। अच्छा, अच्छा। जगदीश हो गया, उसके अंदर बलजीत हो गया, जो मेन सेक्रेटरी है उसका मिंदर है। वो कहाँ की? वो इसी गुरुकुल से जुड़े? नहीं, गुरुकुल से अलग जमीन है, वो टैरिस आगे। नहीं, कमीशन किसने मारा है? कमीशन इन्होंने ही मारा, और ये सीधा नाम लेते हैं कि भैया हम लोग तो राज्यपाल के बंदे हैं, ज्यादा कहोगे तुम लोगों को अंदर करा देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। तीन बार वहां पर गए हैं और जान से मारने की धमकियां तक इन लोगों ने हम लोगों को दी है। ये फिलहाल आप देखो, और ये तो तब है जब हम खुद बीजेपी के अंदर कार्यरत भी है, ये पार्टी के लोगों को भी धमकाने का काम करते हैं राज्यपाल के माध्यम से। अशोक जी, क्या ढिलाई हो रही है? हाँ जी, मैं तो ये आया हूं। अच्छा अच्छा, ऊपर आवाज सुनी आपने, सीबीआई जांच की जाए इसकी। ये देखिए आपके सामने ये एक नया घोटाला, हम प्रदर्शन करने आए कुरुक्षेत्र के, यूं कह रहे थे ना प्रमाण, आप पूछ रहे थे मेरे से कि प्रमाण क्या है। मैं यूं कहूँ गांव गांव में रिक्शा घुमा दो भाई, आचार्य देवव्रत कैसा आदमी है, ये जो मोदी जी ने गवर्नर बनाया है, मैं तो कहूंगा मोदी जी संभलो, ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, हमारा आपका और हमारा ऐसा बुरा हाल हो जाएगा जो बताने के काबिल ना होगा। डकेडोल है मतलब? हाँ, डकेडोल है। आप गांव गांव में रिक्शा घुमा दो, इस भाई जैसे जिनकी लाखों लाखों रुपये मार रखे हैं, ये पूरी टीम डॉक्टर राजेंद्र आचार्य देवव्रत राधा कृष्ण पूरी टीम है, जिनके पैसे ये लोग नहीं देते और धमकाते, इसकी जुबानी सुनो इस भाई की एक बार। आदरणीय जी, एक और विषय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हमारे ही कुछ भाईचारे के साथी है, इन्होंने जो है जमीन गुरुकुल कांगड़ी की भी ली थी, और वो हमारी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, और उस जमीन के ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किया हुआ है। कम से कम 2,000 करोड़ की जमीन है जिसके ऊपर सीधा वो बोलते हैं कि हमारी जमीन है, जबकि 2000 से हम लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा। इंतकाल हो चुका है, गरदौरी हमारी हो चुकी है, पैसे ले चुके हैं ये लोग। चलिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच का विषय है। जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिलहाल तो डीसी साहब नहीं आ रहे, कद आऊंगे, कह लाऊंगा चिंता ना करे, भोजन मंगा रहे, भोजन पानी मंगा रहे ना होंगे तो बैठे हो गए।
भंडारा चला देंगे और लोग धर्मात्मा लोग कुरुक्षेत्र के लोग आके खड़े हो गए हैं, भोजन का भंडारा चलेगा, बैठेंगे दान दे। तो चलो ये फिलहाल इंतजार चल रहा है ज्ञापन, पहली बार ऐसा हो रहा है वैसे ज्ञापन देने आए हैं और यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं पहुँच रहा, ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुँच रहा, ये बड़ी हैरानी की बात है। स्वामी जी कोई ज्ञापन लेने नहीं आ रहा आप लोगों का, ये प्रशासन की एक क्रूरता का मैं नाम दूंगा इसको कि आम जनता, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे जनता की सेवा के लिए सेवक होते हैं, प्रधानमंत्री जी भी अपने को प्रधान सेवक कह रहे हैं, परंतु ये लोग अपने आप को अधिकारी माने बैठे हैं, बाकी सबको नौकर समझते हैं। ताकत का दुरुपयोग की बात कर रहे थे आप लोग, यही है क्या वो ताकत? यही ताकत है, ये प्रशासन की और शासन की दोनों प्रकार की ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है वो, ताकतों के साथ खेला जा रहा है, पूरा खेला जा रहा है। और हम ये बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में एक बार मरता है और मरता ही है, तो जब तक हमारे इस तन में प्राण है तब तक हम ये आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे और सत्य की हार नहीं होने देंगे। चलो ये देखो भाई फिलहाल लाड़े भंडारा की, ये भंडारा के लिए बोल दिया आचार्य योगेंद्र जी ने। एक नौजवान साथी हमारे बीच में, क्या नाम है जी? आकाश हुड्डा जी, आर्य आकाश। आर्य आकाश जी ये बताओ, आकाश में जाना चाहिए था समाज के सिद्धांतों के हिसाब से और अब वजूद और अस्तित्व खतरे में? मैं बताता हूँ जी, इतिहास को उठा के देख लो, जब जब आर्य समाज को तोड़ने का काम किया ना इस देश में, जब जब ये देश गुलामी की तरफ गया है, एक समय था आर्यवर्त, जब उस समय भी मुगलों ने आर्य समाज को तोड़ा, गुलाम हुआ। आज जितना भी आर्य समाज है अगर उसको भी ये सरकार तोड़ेगी तो गुलाम हो जाएगी, वो बात दूसरी है कि बाहर वाले गुलाम हो या खुद देश के गुलाम करे। और आप कह रहे थे कि भाई इस आर्य समाज का क्या हुआ, देखो आर्य समाज कभी खत्म होने की चीज नहीं है, आप कह रहे थे आर्य समाज का क्या हुआ, हम है जी, हम लेंगे आर्य समाज के पद भी लेंगे, संभालेंगे और पूर्ण रूप से आर्यतों का पालन करेंगे। और दूसरी बात कह रहे हो कि जितने भी भ्रष्टाचारी आज जो हम जिनके प्रति ये प्रदर्शन कराया है कि उनमें इनमें क्या फर्क कैसे देखा जाए, देखो आज तक उनके साथ एक युवा भी खड़ा होगा मिला हो, आज इस प्रदर्शन में मात्र एक शहर के युवा 500 युवाओं के साथ आज ये प्रदर्शन पूरा किया हमने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इतने युवा साथी अगर कोई इकट्ठा करके दिखा दे गलत व्यक्ति। तो जिस तरह की लड़ाई चल रही है हमारे समाज में उसका असर नहीं लगता भी युवाओं की जो सोच है हमारे समाज के प्रति, उसमें अंतर पड़ेगा फिर? देखो जी, आर्य समाज के युवा साधारण युवा नहीं होते, जब आर्य कह दी तो वो प्रभाव डालते हैं उनमें। आर्य तो जिन लोगों के बारे में आप खिलाफ लड़ रहे वो भी आर्य कह रहे हैं? तो मैं ये बात कह रहा हूँ ना जी, आर्य समाज को जब जब इस देश में काटा गया तो आर्य समाज के अंदर ही गए हैं, जो आर्य समाज के अंदर जो लोग आए आर्यतों का चोला पहन के, हम उनको आर्य शब्द से आर्य नहीं बनता, आर्य के आचरण से आर्य बनता है, आर्य कर्मणा है जन्मणा नहीं है। चलो करमू भाई, एक अत्याचार, ये मेरा नाम करणनाथ है जी, पानीपत से, छोटी मोटी गौ सेवा कर लेते हैं जैसी गौ माता कृपा। देखिए ये एक जगह का फंडा नहीं है, सनातन की जगह है, हर जगह दबी जा रही है, ये आर्य समाज की जो भूमि है इस पे भी कब्जा है। और एक हमारी जो शायद हम भविष्य में कहेंगे, एक हमारी थी गौ माता, आने वाले एक थी गौ माता, एक थी गौ माता, आने वाले समय में हम शायद अपने बच्चों को यही बताएंगे, एक थी हमारी गौ माता, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी से मैं यही दरख्वास्त लगाता हूँ कि थोड़ा सा थोड़ी सी दया इस गौ माता पे दिखा दो, इस गौ माता की जो गोचरान धरती है उसको भी अधर्मियों के विधर्मियों के कब्जे से छुड़वा दो, क्योंकि हमारी गौ माता हर जगह धक्के खा रही है, हर जगह धक्के खा रही है हमारी गौ माताएं, और जहाँ काटी जा रही है, भारत के 29 राज्यों में 19 राज्यों में गोवध पर प्रतिबंध है, 9 राज्यों में सरेआम कट रही है, लेकिन इनमें भी ये हाल है, हम गोरक्षक है, अगर हम कहीं पर गौ माता को कटते हुए पकड़ लेते हैं और ऑन सपोर्ट अगर हम कहीं पकड़वाते हैं तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, उल्टी गोभक्त की गोरक्षक की एक पीड़ा है, विडंबना है, सनातन प्रेमी सरकार है उसके बावजूद भी इन गो भक्तों को चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है। जो जमुना बेल्ट है जी, भाई भाई, जो हमारी यमुना बेल्ट है, यमुना नगर से लेकर और दिल्ली तक पूरी गो हत्यारों का अड्डा बन चुकी है, हमने गढ़ी बेसक में गौ माता का शीश सनोली थाने में पेश किया था और बागपत में है जो
उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ भी हमने कई गौ माताओं के कंकाल जो हत्यारों के द्वारा काटे गए थे, हमने उनका भी शरीर वहाँ दिए है। आप कर्मो भाई, आपसे यही निवेदन है, गौ माता की आवाज उठाओ। बिल्कुल, माता के लिए तो हम भी समर्पित है, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है अभी अभी फिलहाल डीसी साहब आए नहीं रहे। देखो पहली बार इस तरह का होया, ये ज्ञापन नहीं लेना रहा कोई। चलो ये